रीमा वहां पर मौजूद है। बनारस का जिक्र कर रहे हैं चूंकि नरेंद्र मोदी को आज नामांकन दाखिल करना है, तो बनारस की खुशबू भी ले ली जाए। रीमा, मोदी के पहुंचने से पहले बनारस कोई अलसाया हुआ शहर नहीं है, अपने तरीके का बड़ा ही जद्दोजहद करने वाला शहर भी है और बड़ी बतकही होती है वहां पर। सुबह सुबह बनारस कैसे जागा है आज मोदी आ रहे हैं? देखिए, ऐसा लग रहा है कि कल तो बनारस सोया ही नहीं है, क्योंकि रात भर जो बनारस की सड़कें रही वहां पर फूलों से सजावट करने का काम चलता रहा, जो कॉर्डन ऑफ करने का की कोशिश है। आज ना सिर्फ गुजरात से स्पेशल पुलिस आई है, बल्कि जो यूपी के जितने हम कह सकते हैं कमांडो हैं वो लगता है कि सड़कों पर दिख रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ता अभी दिखाई इतने नहीं दे रहे जितने पुलिस के तमाम दस्ते यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फूलों की पूरी एक कह सकते हैं कि कतार यहां पर लग गई है। जो पूरा रोड शो रहेगा नरेंद्र मोदी का, ये 2.5 किलोमीटर का रास्ता रहेगा। जहां हम इस वक्त मौजूद है प्रसून जी, मलदहिया चौक पर सरदार पटेल की इसी प्रतिमा से अपने रोड शो की शुरुआत करेंगे नरेंद्र मोदी। और चारों तरफ से इस वक्त आप देख सकते हैं कि सुरक्षा का घेरा बन चुका है। तैयारियां जोरों से थी कई दिनों से, लेकिन कल जिस तरह हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल ने एक चुनौती दे डाली अपने कार्यकर्ताओं का हुजूम जो उन्होंने बनारस की सड़कों पर दिखाया, उसके बाद अब लगता है कि आज का दिन शक्ति प्रदर्शन के तौर पे और ज्यादा साबित करने की कोशिश होगी बीजेपी की तरफ से भी। और 2.5 लाख का आंकड़ा बीजेपी के नेता दे रहे हैं कि आज 2.5 लाख लोग जो काशीवासी हैं वो नरेंद्र मोदी का स्वागत करने पहुंचेंगे। यकीनन, तो बनारस हम लोग लगातार चलते रहेंगे, दर्शकों को भी ये बता दें। और इन सब स्थिति में बनारस में आज BHU में उनकी मौजूदगी है, BHU फिर काशी विद्यापीठ, ये कल्पना के परे है। BHU जिस समय लाया गया था उस समय ये 1916 का जिक्र हम कर रहे हैं, बसंत पंचमी के दिन ही शुरुआत हुई थी BHU की, उसके बाद काशी विद्यापीठ, और वहाँ पर भी जाएंगे। और मलदहिया चौक उसी के नज़दीक है काशी विद्यापीठ के, जहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करना है।